नमस्कार, मैं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज। कोरोना से मौत के मामले में भारत ने सभी देशों को रिकॉर्ड तोड़ा। 10 दिनों में सबसे ज्यादा मौतें। कोरोना के हर मामले में भारत दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दर और कोरोना के कारण होने वाली मौतों में अब तक की अमेरिका और ब्राजील आगे, लेकिन अब भारत ने दोनों देशों को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर में कोरोना कोविड-19 से तबाही मची हुई है। भारत के कोरोना संक्रमण के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। अब कोरोना से होने वाली मौतें के मामले भी भारत ने सभी देशों को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब तक के अमेरिका और ब्राजील में कोरोना के कारण हुई मौतों को आंकड़ा ज़्यादा था, लेकिन पिछले 10 दिनों में भारत में कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 10 दिनों में भारत में कोविड-19 के कारण 36,110 लोगों की जाने गई है। कल यानी गुरुवार को देश में 4,14,000 कोविड-19 संक्रमण मामले सामने आए, जबकि इससे ज़्यादा 3,927 लोगों की मौत हुई है। 150 मौतें प्रति घंटा। पिछले 10 दिनों में रोजाना 3,000 के आसपास कोरोना से हो रही है। इस दौरान 36,110 लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि देश में प्रति 150 लोगों की कोविड-19 के कारण हो रही है। WHO मुताबिक 10 दिनों में इससे पहले सबसे ज़्यादा मौत अमेरिका में हुई है। 10 दिनों के अवधि में अमेरिका में सबसे ज़्यादा 34,798 मौतें हुई हैं, जबकि ब्राज़ील में मामले दूसरे नंबर पे था। ब्राज़ील में 10 दिनों की अवधि में अधिकतम मौतें 32,692 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। 10 दिन के अवधि की मैक्सिमम में 13,897 मौतें रिकॉर्ड की गई, जबकि ब्रिटेन में आंकड़ा 13,266 था। लगातार दूसरे दिन में 4,00,000 से ज़्यादा संक्रमित। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन कोविड-19 के संक्रमण का आंकड़ा 4,00,000 से ज़्यादा पहुंच गया है। गुरुवार को 4,14,554 मामले सामने आए हैं, जबकि बुधवार को 4,12,784 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 13 राज्यों में कोरोना के कारण 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। 6 राज्यों में केंद्र प्रशासित मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा है। आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज़, दिलीप कुमार के साथ। नमस्कार।